भी आपको डेटा लेना है उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मतलब जिसका भी आपको डेटा लेना है, जिसका भी आपको गैलरी में जो भी डेटा है देखना है अपने मोबाइल में, उसका ईमेल आईडी पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। आपको अगर ईमेल आईडी पता करना हो तो आपको ट्रू कॉलर पे भी मिल जाएगा दोस्तों, नीचे सामने वाले का ईमेल आईडी लिखा आता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जिसका भी मुझे डाटा चाहिए उसका ईमेल आईडी मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने टाइप कर लिया दोस्तों। टाइप करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर जाना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद सामने वाले के मोबाइल पे मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल के दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे दोस्तों ऊपर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू पार्टनर शेयरिंग इनविटेशन। तो इनविटेशन को आपको यहाँ पर सामने वाले का मोबाइल अपने हाथ में लेकर एक्सेप्ट कर देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना सब होने के बाद बस दोस्तों सामने वाला मोबाइल उसको दे देना है आपको। अभी उसका सब जो भी डाटा है गैलरी का आपके मोबाइल में आ चुका है। अब अपने पार्टनर के मोबाइल में से एक्सेप्ट करने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने मोबाइल पर। तो आप देखना कैसे, तो दोस्तों आपको सिंपली अपने गैलरी में जाना है और यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक शेयरिंग का ऑप्शन आपके मोबाइल में गैलरी में दिखाई देगा। ये गूगल फोटोज़ का गैलरी आपको यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। दूसरे गैलरी यूज़ करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ये गूगल का ही एक ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि जो फैमिली में मेम्बर में जो भी मोबाइल होते हैं वो एक में को मतलब सबको कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए ये सब दिया गया है कंपनी की तरफ से। कोई भी इसका मिसयूज ना कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। तो हमें शेयरिंग के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा व्यू फोटोज। व्यू फोटोज पे जैसे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लोड करेगा, देखिए सामने वाले के सारे मोबाइल का डेटा हमें इस मोबाइल में दिखाई दे रहा है। ये जो भी फोटो था, ये कुछ स्क्रीनशॉट से, ये सारे के सारे उस मोबाइल के है दोस्तों जो कि पार्टनर के मोबाइल में है, ऐसे समझिए। तो ये सारे का सारा डाटा उसके मोबाइल का इस मोबाइल में दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप गेट स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव करना है सारे ऑल। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया है, आपके मोबाइल में सेव कर सकते हो। बाद में उसने डिस्कनेक्ट भी कर दिया पार्टनरशिप तो चलेगा, आपके मोबाइल में डाटा रहेगा। लेकिन हमको कुछ नहीं, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, इसीलिए डोंट सेव रहने देंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे का सारा डाटा सामने वाले पार्टनर के मोबाइल का हमारे मोबाइल में आ चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये टेक्निक काम करती है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।